आज अपन येलो लाइट की रिप्लेसमेंट करेंगे वाइट लाइट से क्रेटा 2020 में। ये अपना नया येलो लाइट्स हैं, इनको अपन वाइट में कन्वर्ट करेंगे। मैंने क्या क्या लिया है इसको रिप्लेस करने के लिए वो आपको दिखाता हूँ। ये मैंने दो चीज़ें ली हैं अमेजन से, एक ऑल एक्सट्रीम की लिए है, फेस्टून टाइप बल्ब आते हैं जो LED के 5 वाट वाले वो लिए हैं, और एक ये ओसराम की LED ली है T10 टाइप की 1 वाट वाली। ये ओसराम वाली मुझे 350 की पड़ी है, और ये फेस्टून वाला जो ऑल एक्सट्रीम का है ये पड़ा है मुझे 125 रुपये का, 120 का मेरे ख्याल से। तो आप ये देख सकते हैं ये वाइट वाले ओसराम के हैं, दो बल्ब T10 टाइप, और ये LEDs हैं अपने ऑल एक्सट्रीम की, ये है फेस्टून टाइप। फेस्टून का मतलब होता है ये दोनों सिरे जो होते हैं इसके एक जैसे होते हैं, देख रहे हैं आप, किसी भी तरीके से लगाइए पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत लोकल टाइप लग रहा है मुझे तो। एक सिंपल चिप के ऊपर LEDs को एम्बेड कर दिए गए, बाद में दो हेड्स लगा दिए गए, दैट्स इट। सो 125 रुपये मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 30-40 रुपये का होना चाहिए था, बट ठीक है। ये ओसराम वाले भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के तो नहीं लग रहे, कम से कम देखने भर में ये भी चाइनीज़ टाइप का ही लग रहा है, हालांकि मेड इन ताइवान लिखा हुआ था, पैकेजिंग भी कोई बहुत ज़्यादा ओरिजिनल नहीं लग रही थी मुझे, बट देखते हैं। आजकल तो चाइनीज़ कॉपियाँ हर जगह मिल रही हैं, तो अगर ये ना हो तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। अब इनको लगा के दिखाते हैं, ये लगेंगे आगे इधर, और ये फेस्टून टाइप है वो लगेगा अपना पीछे ही वाली लाइट में। मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे लगेगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें दो स्क्रूज को खोलना पड़ेगा, हम इस डायरेक्ट और ये पूरा पूरा पैनल बाहर आ जाएगा, सन ग्लास होल्डर प्लस ये कैबिन लाइट वाला है, ये हम डायरेक्ट इन इसको नहीं खोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये स्पीकर ग्रिल दे रखी है। बाकी पुराना वीडियो देखिएगा मेरे, आप समझ जाएंगे पूरी कहानी। तो लीजिए दोस्तों, ये दोनों स्क्रूज हटा दिए हैं हमने, थोड़ा सा खींचतान करके निकालना होगा, निकल जाएगा, आसान रहेगा काफी। स्क्रूज को निकालने के बाद हमें नीचे की तरफ से यहां से इसको थोड़ा सा खींचना होगा, कट आवाज आएगी ऐसे जैसी आई अभी, और ये खुल जाएगा, ये देखिए, और ये पूरा निकल जाएगा। ये पूरा निकल गया, ये दो लीड्स हैं, हमें इस लीड को निकालना है क्योंकि ये लाइट वाली लीड होती है, ये जिसकी तरफ मैं बड़ी वाली जो लीड है जिसको मैं दिखा रहा हूँ इसको नहीं निकालना है, ठीक है, हम इस वाली को निकालेंगे सिर्फ, वो भी निकालना आसान है, और दिखाता हूँ आपको। इस लीड को निकाल देने के बाद हम लोग ये और ये वाला इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और इसके बाद ये निकल जाएगा, दिखाता हूँ कैसे। और ये देखिए दो ओपनिंग रह गई हैं बल्ब्स को निकालने के बाद, ये और ये, और इन ओपनिंग में से निकले ये बल्ब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से, ये है और एक ये है। इन बल्ब्स को आपको सीधा निकाल देना है, सीधा खींच लेना है बस, आराम से, थोड़ा तो बल्ब के कांच को ना फोड़िएगा तो नुकसान हो जाएगा आपका, निकल जाएंगे। बाकी आपको आगे दिखाता हूँ। तो पुराने बल्ब को रिप्लेस करके नई LED हमने लगा दी है, ये पुराना बल्ब ऐसा दिख रहा था, नया बल्ब ऐसा दिख रहा है, दूसरे में भी लगा देता हूँ, पहले से चेक कर लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से आपको लगेगा। मैंने एक तरफ वाइट लगा रखी है, एक तरफ येलो, आई थिंक येलो ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ा कूल है, अच्छी है। बाकी दोनों लगा के दिखाता हूँ, बताइएगा कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी आपको। तो ये दोनों लगाने के बाद ऐसी लगती हैं, रात को और दिखाऊंगा आपको मैं कि कैसा लगेगा रात में, आई एम श्योर बहुत अच्छा ही लगेगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर दीजिए, ये जो आगे दो बड़े टीथ हैं इन टीथ को पहले अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, ऐसे ऐसे, जैसे ये टीथ हैं ये जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक, और फिर उसके बाद ये अंदर पुश हो जाएगा, हो गया पुश। अब दो जो स्क्रू दिखाए थे आपको मैंने, उन स्क्रूज को इन दोनों होल्स में लगा देना है, दैट्स इट, बड़ा आसान काम है। दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा।
और ये लगा देने के बाद ऐसा लग रहा है, रात में और अच्छी लगेगी।